नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप भी बहुत प्रसन्नता से होंगे और खुशी पूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। मैं नित नई ऐसी जानकारी आपके लिए प्रेषित करती हूं जो आपके जीवन को खुशहाल बनाती है और मेरे उपाय बहुत कारगर होते हैं, ये आपके कमेंट्स बताते हैं। मित्रों, कोई भी उपाय करने में अगर एक बार में सफलता न मिले तो दोबारा या बार बार उसको करें, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं, जब तक वो बंधन नहीं कटेंगे, जब तक हमारे द्वारा जाने अनजाने कुछ कृत्य हुए हैं उनका निपटारा नहीं होगा, तब तक हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर बहुत से प्रयास के बाद भी आपको अगर फ़ायदा नहीं होता है तो इसके पीछे यही रीज़न होता है। क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान को एक ही बार में फ़ायदा हो गया और क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान बार बार कर रहा है उसको फ़ायदा नहीं हुआ? अब आप सोचेंगे इस जन्म में तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मित्रों, पूर्व जन्म के कर्म भी हमको भुगतने पड़ते हैं। इसके अलावा माता पिता के द्वारा किए गए कर्म संतान को भुगतने पड़ते हैं। जब शिशु गर्भस्थ होता है उस समय माता पिता ने यदि कोई गलती की है तो गर्भस्थ शिशु को वो गलतियाँ भी भुगतनी पड़ती हैं। तो बहुत सारे इसके कारण होते हैं। यदि आप इनमें विश्वास करते हैं तो माने, अन्यथा मैं आपको बाध्य नहीं कर सकती हूँ मित्रों, क्योंकि ये आपकी अपनी ओपिनियन है। लेकिन ये ज़रूर कहती हूँ कि मेरे उपायों से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत अच्छी नीयत से, बहुत अच्छी भावना से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि मेरा कोई भी भाई बहन दुखी ना हो, उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बता रही हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ गरम मसाले के टोटके। जी हाँ मित्रों, गरम मसाले के टोटके। आपने लौंग के उपाय सुने होंगे, आपने काली मिर्ची के सुने होंगे, आपने तेज पत्ते के, आपने जावित्री के, कई उपाय आपने सुने होंगे, पर इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है मित्रों गरम मसाला। जी हाँ, जब सारे दोष निवारण करने वाली शक्तियाँ एक ही जगह पर एकत्रित हो जाएँ तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। और उससे कितना लाभ आपको मिलेगा, मोटी वाली इलायची भी इसमें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, दालचीनी होती है, तो अलग अलग तरीके से हम लाभ उठाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूं कि सारी शक्तियां जब एक जगह एकत्रित हो जाएं तो आपको कितना फल अच्छा मिलने वाला है, ये आप सोच के देखिए। कहां तेज पत्ता, कहां दालचीनी, कहां लौंग, कहां बड़ी इलायची, कितनी सारी चीजें हो गई। और ये सभी चीज किसी न किसी रूप में धन वृद्धि करने वाली है, तंत्र बाधा को दूर करने वाली है, तरक्की जो नहीं हो पा रही थी उसको आगे बढ़ाने वाली है, घर परिवार की शानो शौकत को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य गरम मसाले का ये टोटका करेगा उसके परिवार की कीर्ति चारों तरफ फैलेगी, क्योंकि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कई परिवार ऐसे होते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं लेकिन घर के प्रत्येक सदस्य का आचरण ऐसा होता है कि पीछे से उनकी बदनामी होती है, अपयश होता है, निंदा होती है, लोग उनको इज्जत की नज़र से नहीं देखते। तो मित्रों, गरम मसाले का ये टोटका करने से न केवल आपके घर में पैसा आएगा बल्कि परिवार में ऐसे काम होंगे, परिवार के लोग इतने संस्कारी हो जाएंगे कि घर की जो प्रतिष्ठा है उस पर कोई आँच नहीं आएगी और चारों तरफ आपकी यश कीर्ति फैलेगी। तो आइए जानते हैं गरम मसाले का प्रयोग आपको कैसे करना है। पहली चीज़ तो ये कि गरम मसाले का जो प्रयोग है उसको आप अपने खाने की चीज़ों में डालिए। देखिए, थोड़ी तासीर गरम होती है, संख्या में कम कर दीजिए, थोड़ा सा कम डाल दीजिए, लेकिन कम से कम आप शनिवार को और अमावस्या के दिन गरम मसाले का सेवन जरूर करें। अगर आप कभी भी नहीं करते हैं तो गरम मसाले का सेवन जरूर करें। ऐसा करने से ऊर्जा का स्रोत बढ़ता है, नकारात्मकता खत्म होती है। तो गरम मसाला बहुत ही पावर देता है, एनर्जी देता है। जिस घर के लोग बुझे बुझे से रहते हैं, मलिन स्वभाव के हैं, उदास रहते हैं, मुँह तोड़ जवाब देते हैं, किसी को ढंग से बात नहीं करते हैं, तू तड़ाका करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप जरूर गरम मसाला खिलाइए। गरम मसाले को आप किसी भी मंत्र से अभिमंत्रित भी कर सकते हैं। साबुत गरम मसाले का दिया जलाइए, एक दिया ले लीजिए, उसमें जो साबुत गरम मसाला है उसके छोटे छोटे टुकड़े सभी चीज़ों के लेकर उस दिए में डाल दीजिए और उसके बाद उस दीपक को अपने घर के जो मध्य स्थान है, ब्रह्म स्थान है, वहाँ पर आप प्रज्वलित कीजिए और सभी देवी देवताओं का और स्थान देवता का आह्वान कीजिए। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। जो मनुष्य बहुत ही ज़्यादा तंत्र बाधा से ग्रसित रहता है उसके सिरहाने पर एक पोटली में थोड़ा सा गरम मसाला या एक कांच के प्याले में थोड़ा सा गरम मसाला साबुत वाला रखें तो उसको फायदा होने लगेगा। किसी प्रकार की नकारात्मकता उस पर हावी नहीं हो पाएगी, नज़र भी नहीं लग पाएगी। इसके अलावा जब आप किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाते हैं तो अपनी पॉकेट के अंदर, अपने पर्स के अंदर थोड़ा सा गरम मसाला एक छोटी सी कपड़े में या छोटी सी पुड़िया में बांधकर अपने पास रखें तो आपका वर्चस्व रहेगा। लोग आपकी हाँ में हाँ, कोई आपकी बात को काटने की हिम्मत करने का तो सोचेगा ही नहीं। तो इस तरह से गरम मसाला गरम होता है और इंसान को भी ताकत देता है, बहुत उसके वर्चस्व को बढ़ाता है। गरम मसाले को यदि आप किसी चांदी की डिबिया में रख के अपने धन धन स्थान में रखेंगे
तो आपको उससे भी धन का आगमन होने लगेगा। इसके अलावा आपकी जो भगवान की मूर्ति है, जहाँ आपने अपना मंदिर बना रखा है, वहाँ पर भी आप एक दीपक, गरम मसाला उसमें डालकर थोड़ा सा और प्रज्वलित करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप गरम मसाला साबुत लेकर उससे छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। इसके साथ में थोड़े से तिल और जौ भी ऐड कर दीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपके घर में शुद्धि होने लगेगी, आपके घर से नकारात्मकता कोसों दूर भागेगी और घर का हर सदस्य एक ऐसा काम करेगा कि आप सबकी पीठ ठोकेंगे कि वाह क्या घर का नाम रोशन किया है, कितना आगे बढ़ाया है घर को। घर की समृद्धि को देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आप खुशी से भरपूर हो जाएंगे। तो ये गरम मसाले का टोटका मित्रों बहुत ही कारगर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों की एनर्जी है। लौंग अपने आप में बहुत पावरफुल होती है कई तरह के प्रयोग करने में, काली मिर्च बहुत फ़ायदेमंद होती है, दालचीनी फ़ायदेमंद होती है, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, सभी चीज़ें इसके अंदर, जावित्री, इतनी पावरफुल चीज़ें हैं कि वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगी, ये सोचिए आप। तो गरम मसाले का ये प्रयोग करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।